ये जो PMKVY के अंतर्गत जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो AMHSSC प्रदान करता है, ये लघु अवधि के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। 200 घंटे से लेकर 720 घंटे के बीच इनकी अवधि रहती है और इसके बाद एक असेसमेंट प्रोसेस होता है जिसमें असेसर्स वहां जाते हैं और असेस करते हैं स्टूडेंट को, और उसके बाद भारत सरकार का सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है। अमूमन अपैरल इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से पहले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और साथ के साथ 2022 तक करीब करीब 60 लाख और लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप ये देखिए, एक और अपैरल इंडस्ट्री में एट्रिशन रेट हाई है और दूसरा 2022 तक 60 लाख एडिशनल लोगों की ज़रूरत है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपैरल इंडस्ट्री में ये स्किलिंग कोर्स करके इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट पाना।